नमस्कार। आरक्षण से भारत के लगभग सभी वर्ग के लोग किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। भारत में कैसे शुरू हुआ आरक्षण, यह 141 साल पुरानी वो कहानी है। भारत में आरक्षण व्यवस्था की शुरुआत आजादी से कई साल पहले हुई थी। आज से 141 साल पहले और आजादी से 65 साल पूर्व भारत में आरक्षण की नींव रखी गई थी और 1882 में हंटर आयोग का गठन हुआ था और आरक्षण की शुरुआत कुछ उसी के आसपास से होती है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बिहार में आरक्षण पर बहस तेज है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले राज्य में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण बढ़ाने के फैसले को मंजूरी दे दी है। नीतीश कुमार की कैबिनेट ने जाति आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के 10% आरक्षण के साथ बिहार में आरक्षण सीमा 75% हो सकती है। इस बीच आरक्षण में बदलाव और इसका इतिहास समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि भारत में आरक्षण कब और कैसे शुरू हुआ। आरक्षण एक्चुअली में क्या है? समाज में हाशिए पर मौजूद वर्गों में समानता लाने और सामाजिक अन्याय से बचाने के लिए आरक्षण उनकी जगह सुनिश्चित करता है। खासकर रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में हाशिए पर मौजूद वर्गों को प्रियता देने का काम आरक्षण के माध्यम से किया जाता है। इसकी शुरुआत ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने के लिए की गई थी। आरक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समाज में सबसे पिछड़े वर्गों को भी इसका लाभ मिले और जाति की परवाह किए बिना सभी को एक समान मंच मिल सके, समान भागीदारी मिले। आरक्षण के माध्यम से सभी वर्ग के लोगों को उन्नति के प्रत्येक क्षेत्र में समान हिस्सेदारी मिल सके, इसलिए शुरुआत की गई। और अब जरूरी हो जाता है कि हम उस महान विचारक को जाने जिन्होंने भारत में पहली बार आरक्षण के बारे में सोचा और इसके लिए आवाज उठाई। आरक्षण का इतिहास कुछ इस प्रकार है कि भारत में आरक्षण व्यवस्था की शुरुआत आजादी से कई साल पहले हुई थी। आज से लगभग 141 साल पहले और आजादी से 65 साल पूर्व भारत में आरक्षण की नींव रखी गई थी। 19वीं सदी के एक महान भारतीय विचारक, समाजसेवी, लेखक ज्योतिबा राव गोविंद राव फुले ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के साथ सरकारी नौकरी आदि में सभी के लिए आरक्षण प्रतिनिधित्व की मांग की थी। कुछ जातियों और अन्य समुदायों के पक्ष में रिजर्वेशन सिस्टम ब्रिटिश भारत के कई क्षेत्रों में स्वतंत्रता से पूर्व मौजूद थी। उदाहरण के लिए 1882 और 1891 में सकारात्मक भेदभाव के विभिन्न रूपों की मांग की गई थी। कोल्हापुर रियासत के महाराज छत्रपति साहू जी ने गैर ब्राह्मण और पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण की शुरुआत की, जिन्होंने अधिकांशतः आरक्षण के पक्ष में थे वो सभी साथ आए। 1902 में प्रभाव में आया आरक्षण, उन्होंने सभी को मुफ्त शिक्षा प्रदान की और इसे प्राप्त करना आसान बनाने के लिए कई छात्रावास खोले। उन्होंने यह सुनिश्चित करने का भी प्रयास किया कि इस प्रकार शिक्षित लोगों को उपयुक्त रोजगार मिले और उन्हें वर्ग उन्मुक्त भारत और अस्पृश्यता के उन्मूलन दोनों के लिए अपील किया गया। उनके 1902 के उपायों ने पिछड़े समुदाय के लिए 50% आरक्षण बनाया। तो 1918 में प्रशासन में ब्राह्मण वर्चस्व की आलोचना करने वाले कई गैर ब्राह्मण संगठनों के आदेश पर मैसूर के राजा नलवाड़ी कृष्णराज वाड़ियार ने अपने दीवान एम के विरोध पर सरकारी नौकरियों और शिक्षा में गैर ब्राह्मणों के लिए आरक्षण लागू करने के लिए एक समिति बनाई। विश्वेश्वरैया ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। 16 सितंबर 1921 को पहली बार जस्टिस पार्टी ने पहला सांप्रदायिक सरकारी आदेश पारित किया, जिससे भारतीय विधायी इतिहास में आरक्षण पर कानून बनाने वाली
पहली निर्वाचन संस्था बन गई, जो तब से पूरे देश में एक प्रकार का मानक बन गया। साथियों, हम बात कर रहे हैं आरक्षण की। वेस्टमिंस्टर में शाही संसद ने 1909 के भारत सरकार अधिनियम में आरक्षण के तत्वों को शामिल किया और स्वतंत्रता से पहले कई अन्य उपाय भी किए गए थे। जून 1932 के गोलमेज सम्मेलन से एक महत्वपूर्ण बात सामने आई, जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पुरस्कार का प्रस्ताव रखा, जिसके अनुसार मुसलमानों, सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो के लिए अलग प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाना था। भारतीय और यूरोपीय दलित वर्गों को मोटे तौर पर एससी और एसटी के अनुरूप निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कई सीटें सौंपी गई, जिनमें केवल दलित ही मतदान कर सकते थे। हालांकि वे अन्य सीटों पर भी मतदान कर सकते थे। प्रस्ताव थोड़ा विवादास्पद था। महात्मा गांधी जी ने इसके विरोध में उपवास रख लिया, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित कई दलित वर्ग के नेता इसके समर्थन में खड़े थे। बातचीत के बाद गांधी जी ने अंबेडकर के साथ एकल हिंदू निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक समझौता किया, जिसमें दलितों के लिए सीटें आरक्षित थीं। इस्लाम और सिख धर्म जैसे अन्य धर्मों के लिए निर्वाचन क्षेत्र अलग अलग रहे। इसे पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। दलितों, गरीबों और पिछड़ों के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रयास अत्यंत सराहनीय और सार्थक रहा। उन्होंने अपने शिक्षा, सेवा भाव और किताबों के माध्यम से लोगों को भारत में व्याप्त जातिवाद और असमानता के कुचक्र से निकलने का राह दिखाया। भारत में आरक्षण को कई भागों में लागू किया, कई भागों में स्टेप बाय स्टेप। 1947 में भारत की आजादी के तुरंत बाद ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी एसटी के पक्ष में और 1990 के दशक के बाद ओबीसी अन्य पिछड़ी जाति के वर्ग के पक्ष में और 2019 में सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। देश का सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रम 1950 में शुरू किया गया था और यह दुनिया का सबसे पुराना कार्यक्रम था। भारत में जातिगत भेदभाव का एक सामान्य रूप अस्पृश्यता की प्रथा थी। इस प्रथा का प्राथमिक लक्ष्य एससी एसटी थे, जिन्हें भारत के नए संविधान द्वारा गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। 1954 में शिक्षा मंत्रालय ने एक सुझाव प्रस्तुत किया कि शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 20% स्थान आरक्षित किए जाने चाहिए। जहां भी आवश्यक हो, प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता अंकों में 5% की छूट देने का प्रस्ताव किया जाना चाहिए। 1982 में यह निर्दिष्ट किया गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र और सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में क्रमशः 15% एससी उम्मीदवारों के लिए और 7.5% एसटी उम्मीदवारों के लिए रिक्तियां आरक्षित होनी चाहिए। बात खुल के आती है कि एससी एसटी के लिए आरक्षण सुझाव किया गया था। 1979 में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, जब सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति का आकलन करने के लिए मंडल आयोग या सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग की स्थापना की गई। आयोग के पास ओबीसी के लिए सटीक जनसंख्या के आंकड़े तो थे ही नहीं, और इसलिए 1931 की जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया। इस प्रकार समूह के आबादी जिनकी 52% होने का अनुमान लगाया गया था, 1980 में आयोग की रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित सेवाओं और सार्वजनिक क्षेत्र निकायों के संबंध में ओबीसी के लिए 27% का आरक्षित कोटा लागू किया जाना चाहिए। इसने उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए
इसी तरह के बदलाव का आह्वान किया। सिवाय इसके कि जहां राज्यों की पहले से ही अधिक उदार आवश्यकताएं थी, सन 1990 के दशक तक केंद्र सरकार की नौकरियों में सिफारिशों को लागू नहीं किया गया था। सन 1991-92 में मंडल आयोग को लागू करते हुए ओबीसी को 27% का आरक्षण दे दिया गया था, यानी ओबीसी को भी आरक्षण का कोटा दे दिया गया। सन 2019 में भारत सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण की घोषणा की, जिसे ईडब्ल्यूएस के नाम से जाना जाता है। भारत का संविधान अनुच्छेद 15(4) में कहता है कि कुछ भी राज्य के नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं रोकेगा, यानी सरकार के पास पावर है कि वो विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए या उनके लिए संविधान के अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि राज्य लोगों के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष देखभाल को बढ़ावा देगा और उनकी रक्षा करेगा। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सन 1992 में एक फैसला सुनाया और उसने सुनाया कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता है। इससे ऊपर की कोई भी बढ़ोतरी संविधान द्वारा दिए गए समानता यानी गारंटीकृत समान पहुंच का उल्लंघन करेगा। इस प्रकार उसने आरक्षण पर एक बैरियर लगा दिया। हालांकि संविधान का हालिया संशोधन 50% से अधिक है और ऐसे राज्य कानून भी हैं जो इस प्रकार 50% की सीमा से अधिक और ये सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमे के अधीन है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु राज्य में जाति आधारित आरक्षण 69% है और लगभग 87% आबादी पर लागू होता है। 7 नवंबर 2022 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित अभियान बनाम भारत संघ रीट याचिका में 3:2 के फैसले से ये साबित किया कि 2019 के 55 ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% का आरक्षण प्रदान करने के लिए कानूनी मंजूरी प्रदान करने के लिए किए गए संविधान के 103वें संवैधानिक संशोधन को वैध यानी वैध करार दिया, सही साबित किया और माना कि 50% की सीमा कोटा उल्लंघनीय नहीं है और आर्थिक आधार पर सकारात्मक कार्रवाई से जाति आधारित आरक्षण को खत्म करने में काफी मदद मिल सकती है। इस संवैधानिक संशोधन ने केंद्रीय संस्थानों में कुल आरक्षण को 59.5% कर दिया। तो आइए हम समझते हैं कि आरक्षण को बारीकी से और जानते हैं कि क्या आरक्षण सही ढंग से आउटपुट और आउटकम को पूरा करता है। क्या किसी भी योजना का लागू होना और धरातल पर उतरना आउटपुट होता है, आउटपुट कहलाता है और आरक्षण के क्षेत्र में यह सफल साबित हो रहा है। किंतु आउटकम की बात करें तो क्या सभी जरूरतमंद को आरक्षण मिल रहा है या कुछ लोग जो आरक्षण के दायरे से बाहर होते हुए भी आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं। ऐसे समझिए कि जिस परिवार की आमदनी अच्छी है किंतु जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र गलत तरीके से हासिल कर सरकार के नियमों में सेंध लगा सकते हैं। अब मामले को ठीक से समझें तो यह साबित होता है कि आरक्षण जिसे कुछ पार्टी अपने हित में प्रयास कर श्रेय लेने का प्रयास करते हैं और उनको इसके लाभ भी मिल जाते हैं। अगर हम बात करें तो पिछड़े दलित या आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति को आरक्षण मिलता है तो यह उसका अधिकार है और मिलना भी चाहिए। क्रेडिट कोई भी ले,
किंतु इसका फायदा जरूरतमंद तक जरूर पहुंचना चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे अगले सेशन में। नमस्कार।